आप कहीं बैठे हों और अचानक आप पलट कर देखें कि आपके पास राज्य के मुख्यमंत्री बैठे हैं तो कैसा लगेगा? एक पल के लिए दिल रुक सा जाएगा, क्योंकि अमूमन इतनी सिक्योरिटी में रहने वाले नेता हमारे बीच इतनी सहजता से आकर बैठ जाएं तो अच्छा भी लगेगा और आश्चर्यजनक भी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कुछ समय निकालकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार सुबह अचानक दौसा के बसवा इलाके के जयसिंहपुरा गाँव पहुंच गए। सुबह 7:30 बजे अचानक मुख्यमंत्री को खुद के बीच देख ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। सोमवार सुबह भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बांदीकुई क्षेत्र के कोलाना से अलवर की ओर रवाना हुए थे। काफी देर पैदल चलने के बाद सीएम अचानक यात्रा छोड़ बसवा की ओर निकल गए और इस दौरान वे जयसिंहपुरा गांव में किसान बद्री प्रसाद मीणा के घर पहुंचे। घर के बाहर 5 साल का बच्चा मयंक अलाव ताप रहा था। मुख्यमंत्री उसके पास जमीन पर जाकर बैठ गए और हाथ तापने लगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मयंक से ठंड को लेकर बात करने लगे। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद अन्य बच्चों महिलाओं को भी वहीं अलाव के पास बुला लिया। ग्रामीणों ने सीएम को कुर्सी दी और अलाव के पास आ गए। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ चल रहा प्रशासनिक अमला पीछे ही खड़ा हो गया। मुख्यमंत्री को अचानक वहां देख ग्रामीण जुट गए। महिलाएं जो हैं वो घर का काम छोड़कर अलाव के पास जा बैठी। जिसको मुख्यमंत्री के आने की जानकारी मिली वहीं वो वहीं पहुंच गए। इस दौरान महिला सहकारी समिति झाजी रामपुरा की अध्यक्ष और राशन डीलर कमला ब्याडवाल ने मुख्यमंत्री चर्चा करने लगे। कमला किसान बद्री प्रसाद की बेटी है और उनका पीहर नजदीक ही है। वे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पिता के घर आई थी। पता चला कि मुख्यमंत्री आए हैं तो मिलने पहुंच गई। कमला देवी ने मुख्यमंत्री बसवा की मिट्टी से बना पॉट और तिरंगे के रंग में रंगा हल उन्हें भेंट किया। कमला ने बताया कि मयंक उनका भतीजा है और पहली क्लास में पढ़ता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर जब मुख्यमंत्री ने पूछा तो कमला ने कहा कि गांव का नजदीकी स्कूल जयसिंहपुरा फाटक के पास है, ये 8वीं तक ही है। आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को बसवा या बांदीकुई जाना पड़ता है। कमला देवी ने स्कूल को 10वीं तक क्रमोन्नत करने की मांग की है। तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आजकल सेकेंडरी नहीं बल्कि सीनियर सेकेंडरी होता है, स्कूल को सीधे 12वीं तक क्रमोन्नत कर देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर कमल चौधरी को निर्देश देते हुए कहा कि स्कूल का नाम नोट करने के निर्देश दिए।